स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी जो कि हम डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड साइकिट लर्न अब ये अगेन साइंटिफिक फार्मूले आपकी ये किट उन्होंने बना के आपको दे दी है कि जिसको आप लर्निंग के लिए लर्निंग मीन आई मीन आपकी लर्निंग तो होगी होगी लेकिन जो आपके मॉडल्स हैं उनकी लर्निंग और जो फिर उसकी डेवलपमेंट और वो सारा उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं और अगेन ये भी एक बड़ी आपकी जो आ, कैलकुलेशंस वाला जो आपका पार्ट है मॉडल बिल्डिंग वाला जो पार्ट है उसमें दिस इज़ वन ऑफ दी गुड लाइब्रेरीज विच इज़ कॉल्ड साइकिट लर्न अच्छा ये जैसे कि इस पर लिखा भी हुआ है कि ये मशीन लर्निंग में तो यूज़ होगी लेकिन ये एक फ्री लाइब्रेरी है अब इसकी जो असल में जो एडवांटेज हैं क्लासीफिकेशन्स रिग्रेसन और क्लस्टरिंग एल्गोरेडम अब क्लासिफिकेशन जब हमने स्टेटिस्टिकल वेरिएबल्स वगैरह हमने पढ़े हमने उनकी जो देखा कि वो नमेरिकल हैं क्वालिटेटिव हैं तो जो क्लासिफिकेशन ज़्यादा आपकी कहाँ यूज़ होगी जो क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं आपके जहाँ पे आप किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पे रिकगनाइज़ करते हैं या क्लासीफाई करते हैं जैसे क्लास नाम से ही पता चलता है कि क्लास वन टू टेन अब हर क्लास की एक अपनी पहचान है एक अपनी उसकी जो फ़र्ज़ करें उसका सिलेबस है उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है उसमें उनका एज ग्रुप डिफरेंट है उसका एज ग्रुप डिफरेंट है इसी तरह जब आप डेटा के ऊपर कोई भी क्लासिफिकेशन या वो अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन वॉट बेस्ड ऑन दी एट्रीब्यूट्स वो जो डेटा है उसकी खसूसियात की बेस पर जब आप उसको क्लासीफिकेशन उसकी करते हैं तो वो फिर आपका उसमें ये जो वाली जो लाइब्रेरी है इट इज़ वेरी पॉपुलर इन सच सिचुएशन जब आपने एट्रब्यूट्स या जो आपका क्वालिटेटिव uh, डेटा है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जहाँ आप उसको गिन सकते हैं आप वो लाइक वन पॉइंट टू वन पॉइंट वेट वॉल्यूम प्रेशर और जो क्वालिटेटिव है जहाँ पे हम उसको उसकी क्वालिटी की बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं तो ये बेसिकली आपका क्वालिटेटिव डाटा जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप इसको क्लासिफिकेशन वगैरह इसकी करेंगे तो वहाँ पर ये आपकी यूज़ होगी फिर रिग्रेशन डिपेंडिंग डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन दी अदर ये भी हमने देखा कि बार बार जो रिग्रेशन एक ऐसी ये वन ऑफ द बेसिक मॉडल है और काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होता है आपका जो रिग्रेशन का मॉडल है कि जो आपके दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई और ये अगर आपका रिग्रेशन का जो लाइन है तो ये आपको पता ही चलता है कि किस तरह ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है ये एक्स के ऊपर वाई की क्या डिपेंडेंसी है ये वाई के ऊपर कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है यू you नो know, जैसे किसी के घर का साइज़ है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इनकम ग्रुप राइट कोई आजकल तो हम जिस सिचुएशन में है मे बी द स्कूल से आप डिटरमिन कर सकते हैं कि इसका इनकम ग्रुप क्या है या यू you नो know, इस तरह की बेशुमार आपके पास चीज़ें जहाँ पे आप डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन दी अदर और यही आपका बेसिकली रिग्रेशन मॉडल इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर क्लस्टरिंग एलगोरिजम्स अब जो क्लस्टरिंग एल्गोरिजम्स हैं आपके या क्लस्टरिंग इट्स सेल्फ इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट क्लस्टर बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है राइट right? एक पूरे कंट्री का मैप है तो उसमें जो पॉपुलेशन के क्लस्टर्स हैं वो जो बड़े शहर हैं आपके वो दे आर योर पॉपुलेशन क्लस्टर्स ये कुछ हैं हर कंट्री में जो कि लाइक मेट्रोपोलिटन सिटीज़ उनकी पापुलेशन बहुत ज़्यादा होती है राइट right? तो वो हम ये कह सकते ये एक क्लस्टर है इसी तरह अगर कहीं कोई एजुकेशन सिटी है तो वो एक क्लस्टर है कोई आपकी मार्केट है वो एक क्लस्टर है इस तरह डिफरेंट क्लस्टर की जो डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती हैं डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट क्लस्टर्स हो सकते हैं बट क्लस्टर इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप अपनी सैम्पलिंग करते हैं जब आप डाटा सेलेक्ट करते हैं तो उसमें यू माइट हैव टू यूज़ क्लस्टर यू माइट हैव टू अवॉइड क्लस्टर अगर आपने कोई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लेनी है तो क्लस्टरिंग इज़ नॉट गुड क्योंकि क्लस्टर पे से जब आप डाटा लेंगे तो सिर्फ एक ख़ास तरह का डाटा आपके पास आएगा या तो फ़र्ज़ कि आपने पूरे एक किसी एक शहर के सारे स्टूडेंट्स का जो कि यूनिवर्सिटी या मे बी कॉलेज या नब उनके बारे में कोई आपने एनालिसिस करना है तो अगर आप सिर्फ कॉलेज में करेंगे या ऐसी जगह पर करेंगे तो वो आपका जो डाटा है वो बायस हो जाएगा और वो जो क्लस्टर होगा आपका वो अगर आप उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको शामिल ही नहीं करते तो इसका मतलब कि ये जो एक डिफरेंट क्लस्टर है जो अंडर ग्रेड एक डिफरेंट है जो पोस्ट ग्रेड है वो एक आपका डिफरेंट क्लस्टर है और अगर आप किसी एक में से डाटा लेते हैं दूसरे से नहीं लेते तो दैट कैन बी अ बाइसड सैम्पल तो इसलिए क्लस्टरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी कि आपने जब अपनी सैम्पलिंग करनी है तो आपके जो क्लस्टर है उसको किस तरह से यूज़ करना है देखिए कुछ सिचुएशन में कुछ मॉडल्स के लिए आपको यू माइट हैव टू यूज़ दोज़ क्लस्टर एंड इन सम समचुएशन यू मे नॉट हैव टू यूज़ दोज क्लस्टर राइट ये अगेन आपकी जजमेंट के ऊपर ही आएगा या प्रॉब्लम के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपने किस सिचुएशन में किस तरह की सैम्पलिंग जो है वो करनी है फिर जो और जो उसके कुछ वैक्टर मशीन्स बिनों के वैक्टर का क्या होता है जिसके डायरेक्शन एंड स्पीड एंड जैसे वेलोसिटी होती है डिफरेंट साइंटिफिक टर्म्स हैं अच्छा, अच्छा क्योंकि आप लोगों की बैकग्राउंड हो सकता है कि आपने जो इंटरमीडिएट लेवल तक फिज़िक्स या मैथमेटिक्स इस तरह ना भी पढ़ा हो इट डजेंट रियली मैटर आजकल तो ज़िंदगी आप लोगों की इतनी आसान है जाए इंटरनेट पे गूगल पे टाइप करें वेक्टर वो आपके पास फ़ौर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो इसलिए जस्ट सीखे ये चीज़ें आपकी ज़रूरत है इनकी आपको बट अगेन आई रियाटीरेट यू डो नॉट हैव टू मेमोराइज़ कि यार ये वेक्टर मशीन क्या चीज़ है फलां क्या है और इस तरह की चीज़ें वो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करेंगे आपको ये चीज़ें इट विल बिकम योर यू नो नॉलेज बेस में ये आपकी चीज़ें ऐड होती रहेंगी तो ये डिफरेंट सिचुएशन है बेसिकली जिनमें आपकी जो साइकिट ये जो लाइब्रेरी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप करेंगे दिस इज़ अगेन अ मॉडल कि आपके पास फर्ज करें ये एक सोर्स है डेटा का अब हमने जब क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने एक टूल पढ़ा था विच इज़ कॉल्ड स्पार्क तो स्पार्क को यूज़ करते हुए आप इनसे यहाँ से डेटा आपके ले कर आ रहे हैं और जब आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं एक ये मॉडल वन है मॉडल टू है मॉडल थ्री है और ये मेरे ट्रेनिंग मॉडल हैं आपने तीनों मॉडल्स को ट्रेंड किया उसकी बेस पे कुछ एनालिसिस किया एंड देन यू गॉट दी बेस्ट मॉडल ठीक है इस तरह से बेसिकली ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी एक डाटा सेट है यू अप्लाइड थ्री डिफरेंट मॉडल्स डाटा को आप लेके आए स्पाक के, के थ्रू और ये जो ये बेसिकली दे, देखिए ये आपकी लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं मॉडल ट्रेनिंग के लिए और देन यू फाइनली डिस्कवर्ड यूर बेस्ट मॉडल और यही इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है जब आपने मशीन लर्निंग के अपने मॉडल जो आपने डिफरेंट अप्लाई uh, करके देखा दैन यू हैव डिस्कवर्ड यूर बेस्ट फिट